Good morning, students. It's me, your class teacher, Ms. Smriti, again with Hindi subject. So today in Hindi subject, we are going to start with the first chapter, and that first chapter is about swar varna. जैसे कि आप लोगों ने क्लास यू के जी में तो वर्ण के बारे में पढ़ा ही है, तो आज हम लोग ये स्वर वर्ण का रिवीजन एक बार फिर से करते हैं. अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घव री ए ऐ ओ औ अं और अ. आप तो भी मेरे साथ साथ एक बार बोले अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घव री ए ऐ ओ औ अं अ. अब देखिए जैसे कि अ हम लोग कैसे लिखते हैं. अ को लिखने के लिए हम लोग ऐसे आकार बनाते हैं, इधर लाइन खींचते हैं, ऊपर से भी लाइन खींच के लिखे आते हैं, तो ये क्या बन जाता है अ. तो अब आ हम लोग कैसे लिखते हैं. आ लिखने के लिए पहले पहले अ लिखना पड़ता है ना, उसके बाद एक और लाइन खींच देंगे. लाइन खींचने से क्या बन जाता है आ, ये होता है आ की मात्रा. ये मात्रा जब हम लोग लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है आ. उसके बाद आता है छोटी ई. छोटी ई हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि छोटा सा एक लाइन खींच दिया, उसके बाद हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जानते ही है एस, तो एस के जैसे हम लोग को बनाना है और उधर से एक गोला बना के नीचे इसका पूंछ निकाल लेना है, ये क्या बन जाता है छोटी ई. तो बड़ी ई बनाने के लिए पहले छोटी ई आप लिख लीजिए, और ऊपर क्या करना पड़ता है छोटी ई के ऊपर आप लोग जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में सी जानते ही है ना, तो सी छोटा सा सी जैसे आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. उसी बनाने के बाद ये क्या बन जाता है बड़ी ई. अब आता है छोटा ओ. जब हम लोग छोटा ओ बनाते हैं तो इसको थ्री के जैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग अ लिखते हैं वैसे थ्री, पहले जैसे नंबर थ्री है तीन नंबर जैसे हम लिखते हैं, इसका थोड़ा सा पूंछ निकाल देते हैं, ये बन जाता है छोटा ओ. और ये देखने में भी क्या लगता है शंख के आकार में जैसे लगता है. और बड़ी ओ हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले इसको छोटा ओ जैसे मैंने अभी सिखाया आपको बताया, छोटा ओ जैसे हम लोग लिखते हैं तो वैसे पहले छोटा ओ लिखते हैं और इसका एक पीछे से पूंछ निकाल देते हैं, तो जब ये हम लोग पूंछ निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है बड़ा ओ. अब उसके बाद आता है री. अब री लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं लाइन खींचते हैं ऊपर से ऐसे और ऐसे, जैसे कि हम लोग त्रिकोण का ट्राइंगल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल, त्रिकोण आकार का यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं. और उसके बाद यहाँ पीछे से स्मॉल कर्सिव आर की तरह, स्मॉल कर्सिव आर छोटा कर्सिव आर की तरह हम यहाँ पे बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है री. उसके बाद आता है ए. ए लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं टू, जैसे हम लोग टू लिखते हैं हिंदी में दो जैसे लिखते हैं वैसे हम लोग ऐसे करके ऐसे लिखते हैं और इधर पीछे से ए इसको लाइन से जोड़ देते हैं, तब ये बन जाता है ए. अब ए के बाद आता है एल. एल लिखने के लिए हम लोग सिंपल सेम ए जैसे लिखते हैं वो ए बना लेते हैं पहले और इसके ऊपर एक पूंछ लगा देते हैं, तो ये बन जाता है एल. अब आता है ओ. अब ओ लिखने के लिए पहले हम लोग को अ लिखना है, उसके बाद आ की मात्रा देना है, आ की मात्रा देने के बाद ऊपर में एक चोटी बना देना है, तो ये चोटी जब बनाएंगे तो ये बन जाता है ओ. अब ओ के बाद क्या है औ. औ लिखते वक्त हम लोग पहले सेम अ लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा लिखेंगे और उसके बाद दो चोटी बना देंगे, तो ये बन जाता है औ. अब लिखते हैं अंग. अंग कैसे लिखेंगे, पहले अ लिखेंगे सिंपल और उसके ऊपर क्या लिखेंगे एक छोटा सा बिंदु बना देंगे, तो ये हो जाता है अंग. उसके बाद आता है अ. तो अ मेरे क्या करना है हमको अ लिखना है, और अ लिखने के बाद पीछे में क्या करना है दो बिंदु बना देना है, फिर क्या बन जाता है अ. तो हम लोगों ने आज सीखा कि ये स्वर वर्ण कैसे दिखते हैं, तो ये स्वर वर्ण के बाद हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे स्वर वर्ण से बनने वाले शब्द के बारे में सीखेंगे.